प्लस कंपनी है, स्टॉक का नाम है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HIL लिमिटेड। ये जिस तरह की तेजी हम रियल एस्टेट सेक्टर में देख रहे हैं, तो जितनी बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं या स्टॉक्स है, उनमें एक जबरदस्त तेजी आने वाले दिनों में दिखनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले संदीप ने भी इसी सेक्टर से जो ग्रीन प्लाई या ग्रीन लैम जिसकी भी बात करी, मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर है बिल्कुल तेजी के लिए तैयार है। और यहाँ से हैदराबाद इंडस्ट्रीज, देखिए अनिल जी, तीन चार बिजनेस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। एक तो इनका रूफिंग डिवीजन है जिसमें चारमीनार ब्रांड उस सेगमेंट का एक लीडर ब्रांड है और वहां से कंपनी को करीबन 30-35% के रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा कंपनी बिल्डिंग सॉल्यूशंस के क्षेत्र में है, फिर आपके पॉलीमर सॉल्यूशंस लाइक पाइप्स, पाइप फिटिंग्स, वॉल पुट्टी, इस तरह का कारोबार करती है। फिर इनका फ्लोरिंग सॉल्यूशंस भी, और उसके लिए एक जर्मनी में भी इनकी एक सब्सिडियरी है पेराडोर होल्डिंग्स करके, और वहां से भी बहुत अच्छे एनकरेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बाकी सॉलिड कंपनी है, डेट रिडक्शन पे कंटिन्यूस फोकस है। जो आपके एक का डेट इक्विटी रेशियो था मार्च 2020 में, वो घटके 0.35 हो गया मार्च 2021 में। छोटी, मतलब इस तरह की लीडर कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 4000 करोड़ का है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ 13-14 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 26%। और बाकी अनिल जी, जून क्वार्टर भी बेहद दमदार था, 99 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 49 करोड़ का पैट था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 62 करोड़ के सामने 99 करोड़ का पैट था। तो मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है और अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होके एक वापिस से खरीदारी करने वाले लेवल्स पे आया है। इस लेवल पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 6500 का टारगेट है।